तो दोस्तों कैंपिंग में जो मेरा सबसे पहला साथी है वो है मेरा कैंपिंग टेंट, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। ये कॉलमैन कंपनी का है और 3% सनडोम टेंट कहलाता है ये। इसकी जो लंबाई चौड़ाई होती है वो 7 फीट × 7 फीट की होती है। ये देखें, मैंने दोस्तों इस पर एक वीडियो बनाई है, पूरी फुल इसका रिव्यू दिया है कैंपिंग टेंट का। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे मैं इसका लिंक दे दूंगा, वहां जाके आप देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया टेंट है दोस्तों ये, और काफी समय से मैं इसे यूज कर रहा हूं। अब जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो मैं टेंट में कैंपिंग करते हुए बनाऊंगा। इसके बाद जो नंबर आता है वो है ये छोटी सी एक सर्वाइवल किट होती है, जंगल सर्वाइवल किट कहलाती है ये। इसमें कुछ जरूरी चीजें रखी जाती हैं, मैं आपको खोल के दिखाता हूं कि मैंने इसमें क्या क्या चीजें रखी हुई हैं। दोस्तों कैंपिंग के दौरान सबसे पहले जो हमें जरूरत पड़ती है वो है आग जलाने की। तो आग जलाने के लिए ये होती है फायर स्टार्टर किट, इसमें मैंने रखा हुआ है थोड़ी सी माचिस की तीलियां हैं और माचिस जलाने का जो वो स्ट्राइकर होता है वो है। ये बिल्कुल सील्ड पैक है, यदि ये पानी में डूब भी जाएगा तो भी माचिस अंदर से नहीं सीलेंगी। इसके बाद हम लेते हैं थोड़ी सी कॉटन रुई और ये कुछ टिश्यू पेपर हैं जो कि मैंने रबड़ बैंड में लगा के रख रखे हैं। इसके बाद यदि मैं बात करूं तो मैंने बनाई हैं ये वैक्स की हैं, इस पे मैंने मोम चढ़ाया है, मैं आपको खोल के दिखाता हूं। ये भी बिल्कुल सील्ड है और इसमें भी यदि पानी चला जाए, ये पानी में गिर जाता है तो भी ये अंदर का जो मटेरियल है ये भीगेगा नहीं और बड़े आराम से जलता है। मैं दिखाता हूं इसे मैंने कैसे बनाया है। ये अलग अलग टिक्की जैसी हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। मैंने क्या किया है, टिश्यू पेपर लिया था और उसे मोड़कर मैंने उसे मोम में, पिघलते हुए मोम में डुबा के निकाल दिया था। मोम सूखने के बाद ये बहुत ज्यादा टाइट हो जाता है, लेकिन जब हम इसे जलाते हैं तो बहुत बढ़िया जलता है ये। इस तरह से मैंने 10-15 टिक्कियां बना के रखी हुई हैं जैसा कि आप ये देख रहे हैं। तो कैंपिंग में आग जलाना सबसे महत्वपूर्ण काम है, तो उसके लिए ये यहां पे है। दूसरी चीज होती है दोस्तों ये सिल्वर फॉइल है छोटी सी, और सिल्वर फॉइल कई काम में आती है। जैसे कि यदि मान लीजिए हमें कैंपिंग के दौरान आलू उबालने हैं और हमारे पास कोई बर्तन नहीं है तो हम सिल्वर फॉइल में आलूओं को लपेट देते हैं और जो कैंप फायर होती है उसी में उसे रख देते हैं, बहुत बढ़िया आलू बनते हैं दोस्तों इससे। तो ये थी हमारी फायर स्टार्टर किट दोस्तों। इसके बाद नंबर आता है, मैं आपको दिखाता हूं, ये एक छोटा सा स्टोव कहलाता है, देख रहे हैं आप, ये देखिए इसमें छेद हो रखे हैं। इसके अंदर मैंने पूरी रुई भरी हुई है अंदर इसके, और ये आपके अल्कोहल स्टोव है। इसमें हम क्या करते हैं, जो थिनर होता है उसे ऊपर से डाल देते हैं और बिल्कुल एकदम गैस की तरह ये जलता है। इस पे भी खाना आराम से बनाया जा सकता है। यदि आप सिंगल हैं तो बड़े आराम से आप इसमें अपना पूरा खाना बना सकते हैं। इसके जलने की जो कैपेसिटी होती है, यदि आप इसे पूरा भर देते हैं इस मोटाई तक एल्कोहल से या फिर थिनर से, तो ये करीब 2 से 2.5 घंटे तक आराम से जलता रहता है। इसके बाद जो सबसे मेन चीज आती है दोस्तों वो है ये टॉर्च, ये टैक्टिकल टॉर्च कहलाती है। लंबे फोकस के लिए, शॉर्ट फोकस के लिए ये टॉर्च काम में आती है। तो ये हो जाती है एक टॉर्च छोटी। इसके बाद मेरे साथ रहती है दोस्तों ये हेडलाइट, ये सिर पे लगाने वाली होती है, हालांकि इसके स्ट्रैप मैंने अभी निकाल के रख दिए हैं। ये भी 3 AAA साइज बैटरी से जलती है, इसमें 3 AAA साइज बैटरीज लगती हैं। इसके बाद यदि मैं बात करूं दोस्तों तो अगली चीज है ये पैराकॉर्ड, जैसा कि आप देख रहे हैं ये पैराकॉर्ड होती है। यहां पे मैंने इसमें थोड़ा सा कुछ बांध रखा है, और पैराकॉर्ड जो है दोस्तों बहुत काम में आती है। यदि आपके पास रस्सी नहीं है या सुतली नहीं है तो आप पैराकॉर्ड से किसी भी चीज को बांध सकते हैं। ये बहुत मजबूत होती है और 30 से 40 किलो वजन तक ये आराम से झेल लेती है। इसके बाद नंबर आता है दोस्तों
मल्टीपर्पज नाइफ का, ये मल्टीपर्पज नाइफ कहलाता है या इसे कमांडो नाइफ भी कहते हैं। इसमें अलग अलग कई तरह के इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे कि यदि मैं इधर से खोलता हूं तो ये चाकू है, इधर से ये बॉटल ओपनर आ जाता है, और इधर से यदि खोलते हैं तो ये छोटी सी कैंची है। तो इस तरह से ये मल्टीपर्पज नाइफ होता है, ये कई अलग अलग कामों में आता है। ये देखें, कहीं पे आपको छेद वगैरह बनाना है तो इससे आप आराम से बना सकते हैं। एक ये इसमें छोटा सा पेंचकस भी दिला हुआ होता है, और कुछ अलग अलग ये अटैचमेंट्स इसमें होते हैं। तो ये बहुत काम की चीज है दोस्तों, यदि आप जंगल में जा रहे हैं या कैंपिंग कर रहे हैं। इसके बाद मैं रखता हूं दोस्तों अपनी सर्वाइवल किट में एक छोटा नाइफ है, ये देखें, ये छोटा सा नाइफ है, ये सब्जी वगैरह काटने के काम में आता है। ये नेल कटर होता है, इससे तो सभी लोग परिचित हैं। इसके बाद मैं इसमें रखता हूं दोस्तों थोड़ी सी, ये इसमें रेड चिली पाउडर है, लाल मिर्च है, और ये ब्लैक चिली पाउडर है, काली मिर्च है, सीजनिंग वगैरह के काम में आती है। साथ ही में मैं रखता हूं इसमें एक पेन और एक डायरी, यदि कोई भी चीज मुझे नोट करनी होती है तो मैं एक पेन और एक डायरी जरूर रखता हूं। ये कुछ एक्स्ट्रा सिल्वर फॉइल के पीसेस हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। इसके बाद दोस्तों दूसरी चीज आती है, ये टिश्यू पेपर, ये टिश्यू पेपर भी सर्वाइवल किट का ही एक हिस्सा है। अब यदि मैं बात करूं दोस्तों कि मैं खाना बनाने के लिए कौन कौन सी चीजों का इस्तेमाल करता हूं, तो उसमें आ जाता है एक ये छोटा बैग है, इसमें यहां पे जाली लगी हुई है और इसके अंदर मैं दिखाता हूं आपको। अच्छा हाँ, इसमें एक चीज और रह गई है सर्वाइवल किट में दोस्तों, मेरे साथ रहता है एक बड़ा नाइफ। ये जो नाइफ है ये मेड इन स्पेन है, वाइल्ड क्राफ्ट कंपनी का ये नाइफ होता है, ये देखें, ये बहुत जरूरी है। हालांकि जानवरों से सुरक्षा के लिए या किसी भी तरह की कोई आपके ऊपर परेशानी आती है तो एक नाइफ होना बहुत जरूरी है। तो एक ये नाइफ रहता है मेरे साथ हमेशा, जब भी मैं कभी बाहर जाता हूं कैंपिंग करने के लिए। अब यदि मैं बात करता हूं दोस्तों, तो एक ये है, ये टंग कहलाता है, कोई भी चीज आपको पकड़ के उठानी है तो आप इससे उठा सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास है दो लोहे की फॉर्क, ये कांटा चम्मच जिसे बोलते हैं देसी भाषा में, और ये कुछ स्पॉर्क कहलाती हैं, ये प्लास्टिक की होती हैं दोस्तों, ये स्पॉर्क कहलाती है। स्पॉर्क इसलिए क्योंकि एक तरफ इसमें फॉर्क होती है और दूसरी तरफ होती है स्पून, तो ये स्पॉर्क कहलाती है। तो चार करीब ये है मेरे पास, जो कि खाना वाना खाने के लिए या मैगी वैगी कुछ खानी है तो उसके लिए मैं अपने साथ इन्हें रखता हूं। नेक्स्ट चीज जो मैं रखता हूं दोस्तों वो है ये कटर, ये एक आम पेपर कटर है, इसे मैं रखता हूं अपने साथ। ये भी पकड़ने के लिए दोस्तों होता है, जैसे यदि कोई गर्म कोयला है या जलती हुई लकड़ी है या कोई ऐसी चीज जो कि हम हाथ से नहीं पकड़ सकते हैं, तो ये लोहे का है दोस्तों, तो इसे मैं हमेशा अपने साथ रखता हूं। तो ये तो है वो चीजें दोस्तों जो कि मैं कैंपिंग के दौरान अपने साथ रखता हूं। इसके अलावा दोस्तों मेरे साथ रहता है ये एक पोंचो है, ये काफी बड़ा एक वाटरप्रूफ कपड़ा होता है। जब हम कैंपिंग पे जाते हैं तो यदि बारिश हो रही होती है तो इसे हम अपने टेंट के ऊपर भी डाल सकते हैं, और पूरा वाटरप्रूफ होता है ये, और काफी बड़ा है, करीब 3 मीटर का ये कपड़ा है। ये जो आप इसमें छेद बने हुए देख रहे हैं, इन्हें हम पेड़ों से इस पैराकॉर्ड के जरिए बांध कर इस पे हम लेट भी सकते हैं, बहुत बड़ा है, और इसका टेंट भी बन जाता है, मल्टीपर्पज होता है दोस्तों, ये पोंचो कहलाता है। तो ये है मेरा पोंचो जो कि मैं अक्सर कैंपिंग के दौरान यूज करता हूं। तो दोस्तों अभी मैंने पिछली एक वीडियो अपलोड करी है, उसमें मैं कैंपिंग करते हुए दिखा रहा हूं अपने आप को, और उसमें मैंने दिखाया है कि बिना स्टोव के, बिना गैस चूल्हे के, या जो छोटे छोटे स्टोव आते हैं कैंपिंग के, बिना उनके मैंने खाना बनाया है। तो उसके लिए मैं यूज करता हूं ये एक ग्रिल होती है दोस्तों, बेसिकली ये मैंने एक उसका कवर बनवाया है, इसमें मैं दो ग्रिल रखता हूं, दूसरी ग्रिल दोस्तों इसके अंदर है।
मैं सिंपली क्या करता हूं, जब भी कहीं कैंपिंग पे जाता हूं तो वहां पे लकड़ी इकट्ठी करता हूं सबसे पहले, और उसके बाद एक गड्ढा बना के ये ग्रिल उस पे मैं रख देता हूं। नीचे आग जलती रहती है और इसके ऊपर बनता है मेरा खाना। तो ये ग्रिल बहुत बढ़िया एक ऑप्शन है, यदि आपके पास गैस नहीं है, चूल्हा भी नहीं है, तो बड़े आराम से आप कहीं से भी लकड़ियां इकट्ठी करके अपना खाना कैंपिंग के लिए बना सकते हैं। ये एक छोटा सा बैग है, ये रैगजीन का बैग मैंने बनवाया था। ये आपकी जो बेल्ट लगती है कमर पे, जो आप बेल्ट लगाते हैं अपनी जीन्स वगैरह में, उसमें भी ये बड़े आराम से लग जाता है, आप इसे अपने कमर पे कैरी कर सकते हैं। ये मैंने बनवाया था दोस्तों रैगजीन का। इसमें जो चीजें रहती हैं वो मैं आपको दिखा दे रहा हूं। सबसे मेन चीज है कंघा, एक ये छोटा टूथब्रश, हेयर ऑयल, और ये ट्विजर्स हैं। यदि आपके हाथ में फांस वगैरह चुभ जाती है या और कोई दिक्कत होती है तो आप चिमटी से पकड़ के आराम से निकाल सकते हैं। तो टूथपेस्ट हो गया, एक साबुन है, और ये इसमें मैंने रखा हुआ है दोस्तों हैंड सैनिटाइजर, और एक ये रिफिल है छोटी सी इन केस यदि मेरी डायरी वाली रिफिल खत्म हो जाती है, और एक ये फेस वॉश है, एक डिटॉल सोप है जैसा कि आप देखें। तो टॉयलेटरीज से संबंधित सारे आइटम मैं इस किट में रखता हूं। इसके बाद नंबर आता है दोस्तों, यदि कैंपिंग के दौरान किसी की तबीयत खराब हो जाती है या चोट लग जाती है तो उसके लिए सेम इसी तरह का एक बैग और है। इसमें रहता है मेरे साथ मेडिकल की किट, ये देख रहे हैं आप। तो ये सब दवाइयां हैं दोस्तों इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं, और टेप है, साथ में रखा हुआ है एक इलेक्ट्रोल का पैक इन केस यदि किसी की तबीयत खराब होती है तो इलेक्ट्रोल की जरूरत पड़ सकती है। इसके बाद आ जाती है बीटाडीन है, और मूव है, ये जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें कई एक तरह की मैंने ट्यूब्स रखी हुई हैं। ये मेट्रोजेल है, और ये आपके मूव हो गया, ये है आपके बीटाडीन, और कुछ पट्टियां हैं इसमें, गॉज हैं, और कुछ इसमें रुई वगैरह है। तो ये पूरी एक किट है। इसके अलावा मैं रखता हूं दो पट्टियों के पैकेट, और ये है आपके दोस्तों वाटरप्रूफ बैंडेज, कुछ बैंडेजेस हैं, और ये कुछ दवाइयां हैं जिंटेक वगैरह हैं, ये पेट खराब होने की है, नोराजिल है, क्रोसिन है, और इस तरह की ये सभी तरह की दवाइयां मेरे इस मेडिकल बॉक्स में रहती हैं। तो दोस्तों इसके बाद यदि मैं बात करूं अपने कैंपिंग बैग का या ट्रैवल बैग का, तो ये मेरे पास ट्रैवल बैग है। पॉकेट्स हैं इसमें कई तरह की जैसा कि आप ये देख रहे हैं, सबसे ऊपर यहाँ पे एक अच्छी खासी खूब पॉकेट दी हुई है, और ये खोलते हैं यहां से तो ये पूरा अलग हो जाता है पोर्शन। इसके बाद यहां पे ये पॉकेट्स दिली हुई हैं, ये देखें इस तरह से। तो काफी मजबूत बैग है दोस्तों, काफी समय से मैं इसे यूज कर रहा हूं। एक इसमें नीचे भी पॉकेट दी हुई है बिल्कुल बेस पे, ये है, काफी सारी जगह है इसमें, करीब यहां तक की इसकी पूरी ये पॉकेट है। तो ये एक कैंपिंग बैग है दोस्तों, आप किसी भी तरह का बैग ले सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि मैं क्या क्या चीजें अपने साथ रखता हूं जब मैं कैंपिंग पे या किसी टूर पे जाता हूं। तो जैसे कि आपने देखा दोस्तों, ये वही सब चीजें हैं जो कि मैं कैंपिंग में यूज करता हूं। कैंपिंग पे जाना एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस होता है, एक बियाबान जगह पे अकेले या अपने किसी फ्रेंड के साथ में कैंपिंग कर रहे होते हैं, तो वो जो एक्सपीरियंस होता है बहुत ही अल्टीमेट होता है। हालांकि मैंने पहले भी कई बार कैंपिंग करी है, जब मैं नया नया टेंट लेके आया था तो मुझे बहुत शौक चढ़ा था कैंपिंग करने का, लेकिन उस समय मैं यूट्यूब पर वीडियो नहीं बनाता था। तो ये जो मेरी पिछली वीडियो आई है ये कैंपिंग की यूट्यूब पर पहली वीडियो है, और अब मैं कुछ और अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए लाने का पूरा प्रयास करूंगा। तो ये है दोस्तों कैंपिंग में, ये जो चीजें मैंने दिखाई हैं ये बिल्कुल मिनिमम चीजें हैं जिनकी आपको जरूरत पड़ती है, और यदि आप कुछ और एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो यही सारी चीजें हैं जो कि हम कैंपिंग के दौरान इस्तेमाल में लाते हैं। तो छोटी सी वीडियो है दोस्तों, मेरा जो मेन मकसद था इस वीडियो को बनाने का,
कि मैं आपको दिखा सकूं। कुछ लोगों के कमेंट्स भी आए थे मेरे पास पिछली वीडियो में कि आप दिखाइए क्या क्या चीजें आप यूज करते हैं कैंपिंग के दौरान, एक छोटी सी वीडियो बना दीजिए। तो वही मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिखाने का प्रयास किया है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। आने वाले समय में और भी वीडियोस लाने का मेरा प्रयास जारी रहेगा। YouTube चैनल ब्लॉगर विनीत को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें सबसे पहले। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।